वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ब्रेक में मच कंफ्यूजन मच हलचल एंड लॉट्स ऑफ फन. सबसे पहले ऑफ कोर्स क्योंकि हम लेडीज फर्स्ट करते हैं, सॉरी टू द जेंटलमैन, उनको भी हम रिवील करेंगे. बट साहिबा मुमताज हमारे साथ हैं, रेडियो और टीवी की वेल नोन सिंगर हैं, एज अ प्लेबैक सिंगर बहुत काम कर चुकी हैं. वी वर वेरी लकी कि 11 रबीउल अव्वल पे भी इन्होंने हमें ज्वाइन किया. वी आर रियली रियली अप्रिशिएटिव. फिल्म्स के साथ बेशुमार ड्रामा सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग्स भी गा चुकी हैं, बहुत से जिंगल्स भी गा चुकी हैं. 1995 में पीटीवी के बच्चों के प्रोग्राम से बाकायदा इन्होंने सिंगिंग का आगाज किया. रेडियो पाकिस्तान से 2002 में बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिल चुका है और भी बहुत सी चीजें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? चुका बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? ये उंगली ने ऐसे ऐसे क्यों किया? दो तीन दफा खैरियत थी? आज मैंने क्यूटेक्स लगा ली. अच्छा, आज क्यूटेक्स लगाई है ना, अब वो डे अप्रोप्रिएट होना पड़ता है ना जी. अच्छा, राइट नेक्स्ट टू इज अ वेरी चार्मिंग यंग मैन, बट वो मुझे लुक इस तरह करा रहा कि अब दो लड़कियों में जो मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे बात करने का कितना मौका मिलेगा. फिक्र ना करें मिस्टर इमरान शौकत, आपको बहुत चांस मिलेगा. आप पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर शौकत अली के साहबजादे हैं, आप खुद भी एक बेहतरीन सिंगर हैं. 1992 में ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल, दो एल्बम्स रिलीज हो चुकी हैं और वर्ल्ड वाइड परफॉर्म कर चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह मौका दिया, याद किया. सो एक्चुअली मजे की बात यह है कि हम लोगों का आज प्रोग्राम का प्लान कुछ और था, जो सच्ची बात है, और हमने फिर डिसाइड किया कि क्योंकि कल इब्रार कुछ एक ऐसी बात कह के गए ऑन एयर कि भाई म्यूजिक इंडस्ट्री का सवाल, तो मैंने कहा व्हाई नॉट ब्रिंग इन मोर म्यूजिक टैलेंट और उसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं. बिकॉज काश हमारे पास कल एक फोरम होता जिसपे हमने प्लेटफॉर्म पे सबको बिठाया होता, हर ओपिनियंस लेते. तो हमने बकायदा लास्ट मिनट पे चेंज किया अपना प्लान एंड वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू इन्वाइट टू गेस्ट फ्रॉम द म्यूजिक वर्ल्ड, वन हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक माशाल्लाह लेगेसी. क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि मसला क्या आ रहा है और मसला खराब होने से पहले उसको रिजॉल्व करना चाहिए. बट उसकी तरफ हम आएंगे ऑफ कोर्स, जब स्टार्स सामने बैठे हैं तो उनके बारे में जानना जरूरी है, उनकी लाइफ के बारे में. फिर आएंगे इस टॉपिक की तरफ भी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी. आई विल स्टार्ट विद यू साला, म्यूजिक की तरफ रुझान कैसे हुआ और क्यों? बचपन से ही वही घिसा पिटा जैसा जवाब जो है कि बचपन से शौक था और स्कूल लेवल्स पे और कॉलेज लेवल पे भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही. फिर आहिस्ता आहिस्ता पीटीवी पहुँच आई किसी तरीके से, और पीटीवी पे फिर मैंने बच्चों के प्रोग्राम से स्टार्ट लिया. फिर उसके बाद इन पीटीवी के ड्रामास, एड्स, जिंगल्स, डिफरेंट चैनल्स पे भी, मतलब फिर ये काम मेरा एक शुरू हो गया. साथ साथ स्टडी चलती रही, साथ साथ मेरा म्यूज़िक भी चलता रहा. इजाज़त क्या, कैसे मिली इजाजत? मतलब मेरे घर वाले इतने वो नैरो माइंडेड नहीं, माशाल्लाह बड़ा लग, गर्ल्स फ्रॉम गुड फैमिलीज, पता है लड़कों को आने देते हैं ना, साडा मुंडा पॉप स्टार बनन जा रहे, कुड़ी नु पता नहीं क्यों नहीं करन देंदे. नहीं, पेरेंट्स की तरफ से ऐसे तो कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी. मेरे अब्बू बहुत मतलब सपोर्टिव है मेरे लिए, मुझे साथ लेके जाते हैं जहाँ पे भी मैंने जाना हो. तो फैमिली जो है रिलेटिव्स उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा नोक टोक हुई शुरू में, और पता नहीं कुड़ी नु कड़े काम चलाया बैठा है और ये वो, ये तो काम अच्छा नहीं है, दिस एंड दैट जो भी होता है. तो अब्बू ने उसके बावजूद भी अब्बू ने कहा ठीक है, मैं अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद लेके जाता हूँ, मैं खुद लेके आता हूँ. और दूसरी बात है, मैं एक बात आपके बारे में जरूर कहूंगी एंड आई थिंक इमरान आल्सो एग्री, कि आप अपने आप को बड़े डिसेंट तरीके से लेके चले हो. जस्ट बिकॉज बाकी सब अपने आप को एक सर्टन डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, यू हैव मेंटेन्ड अपनी एक रिस्पेक्ट. आप चाहे अल्लाह ताला का कलाम हो या यू नो हमदे बारी ताला हो, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या फिर आप फिल्म के म्यूजिक की बात करें, आपने हर चीज़ को एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में अदा किया है. एंड आप भूले नहीं हो कि यू आर स्टिल belonging to this culture, जो हमारी artists I think भूल जाती हैं. बिल्कुल, और ये कि मुस्लिम फैमिली से एक ताल्लुक़ है, और ये एक बड़ी चीज़ होती है कि इस चीज़ को सामने रखना कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना. तो ये आपको घर से ही मतलब मिलती है ये चीज़ें, आपकी ये अल्लाह का बड़ा करम है अल्लाह का. और अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे रास्ते दिखाए हैं कि जो मतलब मैं जहाँ पर भी गई हूँ वहाँ से सब ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है, सब ने प्यार दिया है, बच्चों की तरह ट्रीट किया है, बहनों की तरह किया है. तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माई गॉड. जहाँ विरसे की बात होती है मैम, तो आपके भी आई मीन दिस इज़ कम डाउन फॉर यू, बट देखिए जनरेशन टू जनरेशन अगर एक चीज़ आए भी तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक जनरेशन है वो विलिंग हो उसको टेक ऑन करना. और ये भी नहीं है कि पेरेंट्स कहें कि हाँ बेटा करो, हो सकता है कि पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बुरा रहा, उन्होंने कहा साथ मुंडा कुड़ी है थे नहीं व्हाटएवर. तो आपका क्या एक्सपीरियंस था म्यूज़िक में आने का? और अगेन इजाज़त तो फिर भी माँ बाप से लेनी होती है, इवन इफ वो भी इस फील्ड से हों. जी बिल्कुल ठीक है.
आप, असल बात यह है, ये एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब उनको पता चलता है कि ये मैडम नूरजहाँ की बेटी हैं, ये शौकत अली साहब के बेटे हैं, मेहदी हसन साहब के, मतलब किसी बड़े आर्टिस्ट के बेटे, बेटा होना या बेटी होना, ये आप समझ लीजिए कि आपका टारगेट आपके लिए और मुश्किल हो जाता है। जैसे वो कहते हैं कि जी सुरीले आदमी की रोज़ी जो है वो सातवें आसमान पे है, उसको ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, चूँकि ऑलरेडी एक, अब वन के बाद वन तो नहीं आता, वन के बाद टू आता है। जैसे कहते हैं घोड़ा अपनी गर्दन से आगे नहीं भाग सकता, लोग जब कंपैरिजन करते हैं कि फ्लां का बेटा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेइंग, घोड़ा अपनी गर्दन से आगे, फ्लां का बेटा फ्लां जैसा नहीं हुआ, अपने बाप जैसा नहीं हो सका। भाई वैसा कैसे हो सकता है? वो इसलिए नहीं हो सकता कि वो, उन्होंने एक छाप, आप जब कहते हैं ना मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए, तो वो आप वैसा रोल मॉडल तो तैयार कर देंगे लेकिन उससे बेटर नहीं कर सकेंगे। अगर आप कहेंगे मुझे एक रोल मॉडल चाहिए जबरदस्त, एक तो, यहाँ पे बात मेरे जहन में आ रही है, जब अब ऑब्वियसली अक्रॉस द बॉर्डर का एग्जांपल है, बट बिकॉज इतना वो एग्जांपल है उस तरह का, या शान को ले लें, इराज शाहिद का बेटा खुद शान, उसने अपनी आइडेंटिटी सेपरेट बनाई, बाप अपनी जगह एक रिस्पेक्ट लेके दुनिया से चले गए, लेकिन और बेटा जो है वो एक अपनी इज्जत लेके बैठा हुआ है, एक एग्जांपल है। बट देन अक्रॉस द बॉर्डर का एग्जांपल मेरे ख्याल से बेस्ट है, जब अभिषेक बच्चन फील्ड में आया था और अमिताभ ने घूम के बड़ा वो एक्साइटेड था कि मेरा बेटा आएगा, अभिषेक नहीं बन पाया अमिताभ, लेकिन वो अभिषेक जरूर बन गया। बिल्कुल ऐसे, और उसी तरह यू हैव योर ओन रिस्पेक्ट एंड योर ओन नीश, एंड आपके फॉलोअर्स आपके फॉलोअर्स हैं जी, ऐसे ही है, जो वो आपकी फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, वो मुझे एक्चुअली बुलाते हैं बीइंग अ सन ऑफ ग्रेट लेजेंड, लेकिन उन जैसा तो हो ही नहीं सकता मैं, लेकिन उसमें जो मेरी एक अल्लाह पाक ने जो मुझे अपनी एक आवाज़ जो दी है, जो पहचान दी है मेरी, उसमें कोशिश होती है कि मैं उसमें कुछ नयापन मैं नहीं ला सकता, लेकिन जो कुदरत ने मुझे अता किया है वो उसमें वो थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है, और ये भी ब्लेसिंग्स हैं वालदैन की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलात देखनी पड़ती है। मेहनत तो हम देखेंगे, मैंने ये डिसाइड किया कि इमरान ब्रेक में जाते हुए हम आपको सुनेंगे, वापस आते हुए साइमा को सुनेंगे, ताकि वो भी हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है साइमा, लेटेस्ट आपके साथ हम क्या एक्सपेक्ट करें, एल्बम, वीडियो, व्हाट्स कमिंग अप काम में? अभी एल्बम कर रही हूँ और दुआ करें कि वो बहुत अच्छा बन जाए, फिर उसके बाद उसका वीडियो अच्छा एक हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो है मेरा, जो मेरी अपनी स्पेशलिटी है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग ज़्यादा कर रही हूँ ड्रामास के लिए, कुछ भी हो पाकिस्तान में जो भी बन रहे हैं ड्रामास, टेलीफिल्म्स, फिल्म्स, एड्स, कुछ भी, तो मेरी ज़्यादा स्पेशलिटी ये फोकस ये होता है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ, तो प्लेबैक मेरा ज़्यादा स्कोर है और वही कर रही हूँ, उसमें बहुत मज़ा आता है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, खवातीन ज़्यादातर वांट टू बी ऑन द ओफर फ्रंट एंड प्लेबैक में इतना रुझान नहीं होता, बट यू आर वन पर्सन जो ओपनली कहती हैं कि आई लाइक वो it. इसलिए ही शायद मैं समझती हूँ जो प्लेबैक काम है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप सर एग्री करेंगे? जी बिल्कुल, बुनियाद जिसकी मजबूत है वो यकीनन प्लेबैक सिंगिंग में भी जाता है और लाइट क्लासिकल, और साथ साथ यानी कि अपना एल्बम बना लेना या उसका वीडियो कर लेना ये तो एक आम कॉमन सी अब चीज़ हो गई है, तो आप नई कंपोजिशन जब गाते हो, नई कोई भी चीज़ बनी होती है तो उसको गाना और उसको ऑन द स्पॉट ऑन द सेट पे जाके आप रिकॉर्ड करते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो ये मुश्किल चीज़ें हैं। लेकिन ये कि मुझे अब अल्लाह का शुक्र है जितना मुश्किलों से खेल खेल के आदत होगी और मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है बनिस्बत एल्बम के। अच्छा, आप हमें अब सुनाएंगे क्या, क्योंकि ब्रेक के बाद आके आप, हम आपसे जानेंगे कि आपका आजकल लेटेस्ट क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रेक का भी वो भी तो होता है ना साथ साथ मैनेज, मैं नहीं चाहती कि हम सुने ना आप, जब व्हेन वी हैव सच वंडरफुल पीपल विद अस तो फिर सुनना भी बहुत ज़रूरी है। मैं शाहिद साहब की एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है, वाले साहब ने उसको गाया हुआ है, मैं आपकी नज़र करूँगा। इस जग के प्यारे लोगों से प्यार करें जो लोग, मुझे वो अच्छे लगते, मुझे वो प्यारे लगते हैं। इस जग के प्यारे लोगों से प्यार करें जो लोग, मुझे वो अच्छे लगते, मुझे वो प्यारे लगते हैं।
आला इंस्पिरेशन है ये। जिन लोगों के शाम सवेरे काम आते हूँ तेरे मेरे, वार के अपनी जान किसी पर जो नहीं लेते, जो मुझे वो अच्छे लगते हैं, मुझे वो प्यारे लगते हैं। इस जग के प्यारे लोगों से प्यार करे जो लोग, मुझे वो अच्छे लगते, मुझे वो प्यारे लगते।
वंडरफुल, वेरी नाइस। लगा ना कि बंदा कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गया, बीच में झूम रही थी तो उन्होंने मुझे ऑन एयर कर दिया। मैंने कहा यार जुल्म है वैसे बंदा, मतलब जब बंदा एंजॉय कर रहा था तो शक्ल के साथ भी फर्क होते हैं, और जब यू नो व्हेन यू आर हैविंग नाइस टाइम एंड यू आर झूमोइंग फिर लग रहा होता जैसे बंदा अजीब सी कुछ हरकतें कर रहा था। बट वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एंड सर लाइव तो लाइव होता है, उसकी भी अपनी एक एंजॉयमेंट होती है। आई मीन द पॉइंट इज आप दोनों के बड़े माशाल्लाह यूनिक स्टाइल्स हैं ऑफ परफॉर्मिंग, बट यू बोथ हैव द सेम बेस व्हिच इज क्लासिकल, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लासिकल की इंपॉर्टेंस की तरफ हम आएंगे जरूर, लेकिन आपने नहीं बताया कि आजकल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आजकल बस रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ मैं ज्यादा। आजकल सुना है कि आप, शुक्र है लाहौर में पाए गए थे, वरना तो आप टिकते नहीं है ना लाहौर में। मैं यहीं पे था जहाँ पे जो नसीब में हो, ये मेरी गुड लक है कि आपने याद किया, पीटीवी ने याद किया तो मैं हाजिर हो गया। मैं वाली साहब के साथ मिलके कुछ एल्बम की तैयारी कर रहा हूँ, आजकल वो चल रही है, कुछ सूफियाना कलाम है वो हम कंबाइन एल्बम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सूफियाना तो आजकल बहुत इन है, और और मैं वही मुस्कुरा रही थी जावेद को देख के, यू नो आप, आई लव द फैक्ट दैट देयर इज दिस द न्यू जनरेशन का सूफियाना की तरफ भी रुझान है, यू नो मजहब को भी साथ लेके, मतलब हर चीज को बैलेंस में लेके चल रहे हैं, व्हिच इज वेरी नाइस। वरना जो होता ना पॉप था तो पॉप ही था, रॉक था तो रॉक ही था, वो कुछ हर तरफ से कॉम्बिनेशन नहीं आ रही थी। जी आज वक्त का तकाजा भी है, ये डिमांड है कि जिस तरफ लोग जा रहे हैं, और ज़रूरत है कि सूफियाना कलाम जो है बुजुर्गान दीन के कलाम से हम लोगों को अपना असल जो हमारा है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे अदब आदाब हैं, और जो जो सीधा रास्ता है उस तरफ लाया जाए लोगों को। खैर अगला तो फिर आपको सूफियाना कलाम में थोड़ा सा सुनाना चाहिए मेरे ख्याल से। आपके पापा भी तो, मतलब वो तो उनका सूफियाना कलाम का इतना वेशमा है ना मैडम, वही आपके पापा तो ऑफ कोर्स हु वुड नो मोर अबाउट हिम देन यू योरसेल्फ, पर जैसे मैडम को देखें वॉर में वॉर सॉन्ग्स का है, मतलब कौन सा जॉनरा है जिनको उन्होंने टच नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं और माय वही ना लेजेंड, इसीलिए तो नाम आता है नाम के साथ आपके फादर के, मैम मैडम के, इन सब के। जी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है ये थोड़ी बहुत गजल वर्स स्टाइल होना जो है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। असल काम यह है कि उसको निभाया जाए। बिल्कुल वैसा ही जो चीज़ आप परफॉर्म करें, मतलब पॉप गाएं, रॉक गाएं, जो भी गाएं वो सुर में गाएं, अच्छा गाएं। इधर ही फिर क्लासिकल वाली बात भी आप कंटिन्यू कर देना, क्योंकि देन वी विल कम टू साइमा विद दैट क्वेश्चन के क्लासिकल सिंगिंग की इम्पोर्टेंस, मतलब एक जो बेस नहीं होती, बेस कितनी इम्पोर्टेंट है। क्लासिकल से मुराद आई डोंट मीन लिटरली क्लासिकल, बट वो जो एक बेस होती है हर सिंगर की जी, सीखने वाली, वो कितना ज़रूरी है। जी इतना ही ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं कि एक शख्स चला गया सिफारिश लेके जॉब की, तो जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उनकी सिफारिश थी, उन्होंने कहा अच्छा यार मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा, ये बताओ कि तुम पढ़ना लिखना जानते हो। उसने कहा जी मैं लिखना जानता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। यार ये क्या मुसीबत है, लिख सकते हो लेकिन पढ़ नहीं सकते। अगर चले ऐसे ऐसा करें बेटा कि आप ये पेपर है कुछ लिखें, लिख के दिखाएं। उन्होंने पेंसिल पकड़ी, ऐसे ऐसे करके लकीरें लगा दी। अगर चले देख के तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताओ कि ये लिखा क्या है। उन्होंने कहा मैंने पहले कह दिया था कि मैं लिख सकता हूँ पढ़ नहीं सकता। तो उतना लिखना आना चाहिए कि जितना पढ़ भी सके, यानी कि वही जो बुनियाद चादर है उतने ही पैर फैलाओ। बिल्कुल बुनियाद हो, आप रॉक गाएं, पॉप गाएं, कुछ भी गाएं। सजाद अली खान, सजाद अली साहब ने पॉप गाया, इतना अच्छा गाया, इतना सुर में गाया। मैं पॉप भी सुनता हूँ, रॉक भी सुनता हूँ, फोक भी सुनता हूँ, क्लासिकल भी सुनता हूँ। कानों को ना चुभे बस, बस जो जो रू लरस जाती है जब वाहियात किस्म के कुछ इस तरह के गाने होते हैं जिनमें सुर एक तरफ जा रहा है, ताल एक तरफ जा रही है, हर चीज अपने अपने डायरेक्शन में निकल पड़ी होती है, और आप कहते हो ये कंबाइन कैसे होगी, और वो कंप्यूटर में बैठ के किस तरह उसको जोड़ देते हैं। बिल्कुल आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वर्क है एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड। अपने बारे में ये कहूँगी कि जो क्लासिकल है वो बहुत ज़रूरी है, बेस है, सही जिस तरह इमरान साहब ने कहा, जिस तरह आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, अगर फर्स्ट स्टेप छोड़ के आप ऊपर वाले स्टेप कैसे चढ़ सकते हो। तो ये कि ये बेसिक है और इसको सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो म्यूज़िक ऐसे नहीं फिर आ सकता। और मैं तो अभी अपने बारे में अगर बात करूँ, मैं अभी सीख रही हूँ और क्लासिकल सीख रही हूँ, लाइट में गा रही हूँ,
लेकिन क्लासिकल अभी गाया नहीं, लेकिन क्लासिकल थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं गा रही हूँ। खैर आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि लगता है जैसे क्लासिकल एक कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जो अता हो जाए एक चीज़ वो हो जाती है एंड मेहनत के साथ वो और परफेक्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा अब आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? ब्रेक में आपको सुनते हुए जाएंगे फिर वापस आपको सुनते हुए आएंगे। मैं जी सूफियाना कलाम डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब गुजरांवाला के ऐसे बुज़ुर्ग हुए हैं, उनका एक कलाम है, दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैंक खलोण, कोल होवे ते हसन सारे ना होवे ते रोण। वाह क्या बात है। आपकी जैसे दुनिया उते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, कोल होवे ते हसन सारे ना होवे ते रो, हाय ना होवे ते रो। ओ ठहर फकीरा कालिया होली ऐब किसे दे फेर, पहलो अपनी मंजी हेठा जरा डगोरी फेर, हो जरा डगोरी फेर। ओ पुठे चाले चल नए समझ फकीरा चाल, पेत पराए दसन वाला पेती रखना नाल, हाय पेती रखना नाल, पेती रखना नाल। तुमको
इट्स एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. कहती थी मैं कुछ और बैठे बैठे सुना देती हूँ. मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं सुनाना आपके सामने. मैं ये कह रही थी मुझसे लाइव सुने. नहीं नहीं आप अभी भी लाइव हैं. उस वक्त भी आप लाइव थी और आप हमेशा लाइव रहेंगी इंशाल्लाह. अच्छा प्रॉब्लम्स क्या है आजकल इंडस्ट्री में, इसकी तरफ मैंने आना है लेकिन क्विकली क्विकली क्योंकि टाइम खत्म है और किचन की तरफ भी हमने जाना है. कंफ्यूज कर दिया है मैंने कैमरामैन को और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि कैमरा ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे आया और वापस आ गया. हाँ जी हेलो शेफ बिलाल जी. हेलो कैसे आप? रेडी आपके सामने रोशिता. वो शख्स जो अपने बीवी के किसी भी सवाल से तंग नहीं लेकिन बहुत से मसाइल में फंसे होते हैं और घिरे होते हैं ऑल द टाइम कुकिंग के दौरान. हाँ सिर्फ कुकिंग के दौरान. जी क्या सिचुएशन? डन जी डन. ये क्रूटॉन्स मैंने बनाए देखें जैसे ब्राउन हो गए क्रूटॉन्स. वेरी नाइस. एंड ऊपर डाल देना सूप एंड प्रोशेटा इज डन. प्रोशेटा इज रेडी. थैंक यू सो मच बिलाल भाई. You're welcome. आपको वैसे मैंने आज फोन करना है, आपसे शेफ रिलेटेड गुफ्तगु करनी है मैंने आज. ओके लेकिन वो हम बाद में करेंगे, पर्सनल बातें. हाँ जी प्रॉब्लम्स क्विकली व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. सबसे बड़ी बात ये कि आजकल हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो कहते हैं आप आइए और अपना वीडियो भी साथ लेके आइए. और बल्कि ऐसा होता है कि आप सिग्नल पे खड़े होते हैं तो कॉल आ जाती है कि आप अभी आ सकते हैं फौरन और आके आप कीजिए. फिर उसके बाद ये कि अगर आपने एक आध आइटम किया तो उन्होंने कहा फलां आर्टिस्ट अभी नहीं आया, हम उनको उनका वेट कर रहे हैं, आप काइंडली चार पांच आइटम्स और कर दीजिए. चार पांच आइटम के जैसे मतलब टोस्ट की बात हो रही है. और सबसे मुश्किल बात ये होती है कि आप कहीं अगर कमिटेड होते हैं और आपको कैसे फेस करना पड़ता है उनको, आप किस तरह उनसे झूठ बोलते हैं या उनकी मिन्नत करते हैं कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ. और आप सबको खुश नहीं कर सकते लेकिन फिर भी इतना मुश्किल काम है. दूसरा ये मार्केटिंग, पहले भी था मार्केटिंग लेकिन अब जब से शोबिज़ मार्केटिंग वालों के हाथ में आया है तब से इसकी असल तबाही मच गई है. तबाही मच गई है. What will you say, Saima? मैं तो ये कहूँगी कि जो काम करवाने वाले लोग हैं, जैसे कोई ऐड करवाना है या कोई गाने टाइटल सॉन्ग करवाना है तो उसमें ये होता है कि वो चाहते हैं कि मुफ्त ही काम हो जाए, पैसे ना देने पड़े और फ्री में काम हो जाए. फ्री में इस तरह कि अगर 20,000 में कहीं पे कहती हूँ कि मुझे एक टाइटल सॉन्ग का जी मैं ऐड का ले लूँगी 20,000 ले लूँगी तो वो कहेंगे कि नहीं आप 5 ही ले लें. तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है. बंदे को शुरू करना चाहिए लाख से ताकि कहीं जाके 15 या 20 पे बात. फिर ये कि हमारे पास और भी नए सिंगर्स हैं तो भाई करवा ले फिर नए सिंगर्स से, तो उसके बावजूद नहीं नहीं आप ही करेंगी. तो ये बात ये कि इतने से में इतना कुछ चाहिए, स्ट्रगल के पीरियड से गुजरने के बाद भी अगर वो आपको स्ट्रगल ही कराएंगे, आवाज भी अच्छी हो, एक्सप्रेशंस भी फुल दे, अगर ऐड करना है तो ऐड की उसको समझे कि ऐड करना है और उसमें किस तरह की आवाज होनी चाहिए, सारी चीजें समझने वाली हो लेकिन पैसे कम लेने वाली हो तो ये नहीं होता. ये एक ऐसा, आपकी बात बड़ी हो, ये ऐसा मदर इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीटीवी माँ है इस वक्त. सब जितने चैनल्स हैं वो इसको देख के इस सारे इंस्पायर्ड हैं पीटीवी से, यहीं से तमाम प्रोड्यूसर्स गए. अब मसला ये है कि पहले पीटीवी पे किसी ने सुना, उन्होंने शौकत अली को सुना, आज तक याद है मैडम नूरजहां, आज तक याद है. अब वो कहते हैं कि कोई नया लेके आए, घर से करके लाए सब कुछ. और वही वाली बात होती है कि यहाँ पे जो बंदा बैठा होता है फिर उसको
चार दिन बाद मैं और भी बाकी सारे चैनल पे देख रही होती हूँ बैठे हुए, और मुझे गिला फिर इस बात पे होता है कि भाई खुद क्यों नहीं आपने रिकग्नाइज किया टैलेंट, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, ब्रिलियंट लोग हैं हमारी फील्ड में, हमारी फील्ड से म्यूजिक आर्ट्स किसी भी जॉनरा को ले लें ऑफ द मीडिया, लेकिन उनको जब तक या क्रॉस द बॉर्डर नहीं देता रिस्पेक्ट या फिर मदर चैनल नहीं देता, ये लोग लिफ्ट ही नहीं कराते, विच इज वेरी सैड. हमें स्टार मेकर्स की जरूरत है जो स्टार्स बनाएं और आगे करें जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है. बिल्कुल, मेरे दोनों छोटे भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, मैं मोहसिन शौकत अली और अमीर शौकत अली. मोहसिन ही इज जस्ट कम बैक फ्रॉम कनाडा, शोज करके आया, फिर सबसे छोटा भाई जो है अमीर बरी वो लंदन में है, खुद अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहे हैं, मार्केट में घुसे हुए हैं, और यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि जैसे पीटीवी होता था, पीटीवी का काम है कि इसने आर्टिस्टों को ढूंढा, घरों से निकाला और फिर उनकी पहचान बनाई. अब यह है कि आप हर चैनल पे जाते हैं, कोशिश करते हैं अपना वीडियो बना के कि जी हमने ये किया ये किया ये किया, उसमें भी जो नौ लोग हैं उनकी सुनी जाती है या उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं. खैर यहाँ पे तो मैं ये कहूंगी जो कल अब्रार ने बात की कि मतलब तंग आके इरिटेट होकर उन्होंने एल्बम्स ही बनानी छोड़ दी. खैर क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया और मुझे डांटे पिटे कि तुम फिर मसाइल लेके बैठ गई हो, अच्छी अच्छी बातें करो तो अच्छी अच्छी बातें, तो सॉरी व्यूअर्स आज नहीं हो सकती. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छी बात सिर्फ ये है कि आज दो बहुत प्यारे मेहमान मेरे पास प्रोग्राम पे. शुक्रिया कि आपने बुलाया पीटीवी पे और इतने अच्छे प्रोग्राम में, स्पेशली आपके प्रोग्राम में, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ मुझे बिठाया है और इनके सामने गाना बहुत मुश्किल चीज है. जुगन के प्रोग्राम में और पीटीवी के मॉर्निंग ट्रांसमिशन में obviously, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ एक बहुत सुरीली और खुश शक्ल आर्टिस्ट आई है. अच्छा आप एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे और प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया. आप एक दूसरे की तारीफ करें, हम अपने व्यूअर्स की तारीफ करते हैं. बहुत अच्छे हैं व्यूअर्स, बहुत अच्छे हैं. और हमारे गेस्ट तो सबसे अच्छे हैं, उनके लिए आए हैं, बेशक आपके लिए आए हैं, उनके लिए आए हैं. नहीं नहीं वो डांटे पिटने के अब खुदाफिस कह दो. तो व्यूअर्स गेस्ट तो हमारे बहुत ही प्यारे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने. बिलाल भाई तो घर की मुर्गी हैं लेकिन हम उनको प्यार फिर भी बहुत करते हैं. इनसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी. व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने दूसरों का, और ऑफ कोर्स प्लीज दुआ कीजिए कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री बल्कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पॉजिटिविटी की तरफ जाए. पाकिस्तान जिंदाबाद.